मौत हमारे समाज में एक टैबू सब्जेक्ट है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक ये शय किसी मशहूर नाम के साथ न जुड़ जाए। जैकब नीडलमैन नाम के एक अमेरिकी दार्शनिक हुए, उनका कथन है डेथ इज अ ग्रेट इक्वलाइजर, यानी मृत्यु सबको बराबरी पर पहुंचा देती है। हालांकि कॉमन सेंस की बात है, पर देखिए ना, हमें भी ये कहने के लिए जैकब नीडलमैन का सहारा लेना पड़ा। हालिया समय में चाहे अभिनेता सुशांत की मौत हो या श्रीदेवी की मौत, को हर बार तमाशा बनाया गया। आप कहेंगे इसमें टीवी का कसूर है, मीडिया का कसूर है, शायद कुछ हद तक के इंटरनेट का भी। हालांकि 90 के दशक में जब अभिनेत्री दिव्या भारती के हादसे में मौत हुई, तब भी पत्रिकाओं अखबारों में लोग चुटकियां लेकर इस मौत से जुड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को डिस्कस किया करते थे। तब इंटरनेट नहीं था, चाय की टपरी ही इंटरनेट थी। फिर 2000 के आसपास इंटरनेट आया और 2005 में अभिनेत्री परवीन बॉबी की मौत की खबर आई। लेकिन तब भी ट्विटर और फेसबुक जैसे ठिकाने उपलब्ध नहीं थे कि गॉसिप चलाई जाती। 2014 में इस कड़ी में एक नाम और जुड़ गया, सुनंदा पुष्कर। 17 जनवरी 2014 को सुनंदा एक होटल के कमरे में मृत पाई गई। हालांकि सुनंदा अपने आप में एक सफल कारोबारी थी, लेकिन कांग्रेस नेता शशि थरूर से उनका रिश्ता इसे एक हाई प्रोफाइल केस बना गया। साल 2023 में इस केस को 9 साल बीत गए हैं जब इस एपिसोड को रिकॉर्ड किया जा रहा है। हमने सोचा कि दोबारा इस केस पर एक नज़र डाल लेनी चाहिए ताकि सिलसिलेवार ढंग से जानें कि इस केस में हुआ क्या था, सुनंदा केस विवादास्पद क्यों बन गया और साल 2023 में ये केस किस मोड़ तक के पहुंचा है। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों का हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। चूंकि सुनंदा महज एक गॉसिप नहीं बल्कि एक मुकम्मल इंसान थी, इसलिए पहले एक नज़र उनकी हस्ती पर डालनी चाहिए। साल 1962 में सुनंदा की पैदाइश कश्मीरी पंडितों के परिवार में हुई। लेफ्टिनेंट कर्नल पुष्कर नाथ दास और जया दास की वो इकलौती बेटी थी। 1990 में कश्मीर में हुई हिंसा में उनके घर को जला दिया गया, जिसके बाद सुनंदा और उनका परिवार जम्मू में रहने लगा। सुनंदा की पहली शादी उनके परिवार की मर्जी के खिलाफ थी। होटल मैनेजमेंट करते हुए उनकी मुलाकात संजय रैना से हुई और दोनों ने शादी की। हालांकि ये शादी मुश्किलों से भरी रही और जल्दी सुनंदा को इस रिश्ते में घुटन होने लगी। 1991 के साल में उन्होंने ये रिश्ता तोड़ते हुए सुजीत मेनन नाम के एक मलयाली बिजनेसमैन से शादी की। इस शादी से उन्हें एक बेटा हुआ। मार्च 1997 में सुजीत की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। सुजीत की मौत को भी डिप्रेशन और आत्महत्या से जोड़कर देखा गया था। हालांकि सुनंदा ने ऐसी किसी बात से इनकार करते हुए सिर्फ इतना कहा कि सुजीत आर्थिक समस्या से गुजर रहे थे। सुजीत की मौत के बाद सुनंदा का पूरा ध्यान अपने बेटे शिव पुष्कर मेनन की तरफ था। पिता की मौत के बाद शिव को बोलने में कुछ दिक्कत आई, इसलिए सुनंदा उसे अच्छी मेडिकल सुविधाएं देने के लिए कनाडा ले गई। 2011 में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि वो अपने बेटे को एक्टिंग की दुनिया में लाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने शिव का दाखिला अनुपम खेर एक्टिंग स्कूल में भी करवाया। इन सालों में सिंगल मदर रहते हुए उन्होंने अपना बिजनेस भी इस्टेब्लिश किया। श्रीनगर के एक होटल में फ्रंट डेस्क रिसेप्शनिस्ट से शुरुआत करते हुए उन्होंने दुबई का रुख किया और वहाँ एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की शुरुआत की। उन्होंने फैशन शो ऑर्गेनाइज करना शुरू किया और इस दौरान उन्होंने ऐश्वर्या राय के साथ भी काम किया। ऐश्वर्या तब मॉडलिंग में अपना हाथ आजमा रही थी। पति की मृत्यु के बाद सुनंदा ने कनाडा में नौकरी की और फिर दुबई में ज्वेलरी का काम शुरू किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ अपने पति का जमा किया हुआ कर्ज चुकाया बल्कि अपने पिता और भाई को भी सपोर्ट किया। धीरे धीरे अपना बिजनेस बढ़ाते हुए उन्होंने दुबई में काफ़ी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम की। ऐसी रिटेल किसी मर्द के नाम से जुड़े तो उसे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन कहा जाता है, लेकिन सुनंदा के केस में सारी बातें स्कैंडल की तरह बताई गई, हमेशा अफसोस की बात है। सुनंदा का नाम साल 2010 में पहली बार मीडिया में आया। मामला IPL से जुड़ा था, इंडियन प्रीमियर लीग। रॉन्देवू स्पोर्ट्स वर्ल्ड नाम की एक कंपनी थी जिसमें सुनंदा को 70 करोड़ की स्वेट इक्विटी मिली थी। स्वेट इक्विटी का मतलब कंपनी का वो हिस्सा जो आपको आपकी मेहनत की एवज में मिल जाता है, स्वेट पसीना। साल 2010 में रॉन्देवू स्पोर्ट्स वर्ल्ड ने कोची टस्कर्स केरला नाम की एक IPL फ्रेंचाइजी खरीदी, मतलब टीम बनाई। अब इसमें पेच ये था कि सुनंदा को इस कंपनी का डायरेक्टर IPL की बोली से सिर्फ 18 दिन पहले बनाया गया था, इसलिए सुनंदा पर अनियमितताओं के आरोप लग गए।
हालांकि आरोप सुनंदा के साथ साथ शशि थरूर पर भी लगे। थरूर इस समय कांग्रेस सांसद और विदेश राज्य मंत्री हुआ करते थे, इसलिए उन पर अपने पद के दुरुपयोग का आरोप लगा। इस मामले में तब गुजरात के मुख्यमंत्री और साल 2023 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान काफी विवादित हुआ था। 29 अक्टूबर 2012 को एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है। नरेंद्र मोदी का इशारा सुनंदा की तरफ था। इस केस में थरूर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। सुनंदा और थरूर की पहली मुलाकात कुछ साल पहले दुबई में ही हुई। उस वक्त थरूर शादीशुदा थे, लेकिन इस मुलाकात के बाद जल्दी थरूर ने अपने पुराने रिश्ते को विराम दिया। थरूर और सुनंदा साथ दिखाई देने लगे और साल 2010 में दोनों ने शादी भी की। हालांकि सुनंदा के लिए दुबई से दिल्ली का यह सफर आसान नहीं रहा। वरिष्ठ पत्रकार कावेरी बमजई लिखती हैं, दिल्ली हर चीज माफ कर सकती है, लेकिन शख्सियत से भरी एक राजनेता की पत्नी को कभी माफ नहीं कर सकते। यही सुनंदा के साथ भी हो गया। सुनंदा खुद एक काबिल महिला थी और उनके अपने शब्दों में उन्हें किसी काम के लिए कभी किसी आदमी से मदद लेने की जरूरत महसूस नहीं हुई थी, लेकिन दिल्ली आते ही वो एक हाई प्रोफाइल नेता की पत्नी हो गई, जिसके चलते उनके हर कदम पर मीडिया नजर बनाए रखती। अब देखिए साल 2014 में क्या हो गया। 31 दिसंबर 2013 की रात थी, सुनंदा गोवा में एक न्यू ईयर पार्टी में मौजूद थी। इस दौरान उन्होंने अपनी दोस्त से कहा कि मेरे पास सिर्फ 2 साल जिंदगी के बचे हैं, मुझे सब काम तेजी से करना होगा। ठीक 17 दिन बाद ये बात लगभग भविष्यवाणी साबित हुई। 17 जनवरी की शाम सुनंदा दिल्ली के लीला पैलेस होटल के कमरा नंबर 345 में मृत पाई गई। हालांकि इससे 2 दिन पहले से सुनंदा का नाम खबरों में था। क्यों? 15 जनवरी के रोज शशि थरूर के ट्विटर अकाउंट से कुछ स्क्रीनशॉट्स पोस्ट हो गए। इन स्क्रीनशॉट्स में थरूर और पाकिस्तान में एक जर्नलिस्ट मेहर तरार के बीच कुछ मैसेजेस थे। मैसेजेस पर्सनल थे और उसमें मेहर ने यह लिखा था कि वो शशि से प्यार करती है। शशि थरूर ने थोड़ी ही देर में कहा कि उनका ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था और इसके बाद उनका अकाउंट डीएक्टिवेट भी हुआ। मेहर तरार ने 2013 में शशि थरूर का इंटरव्यू किया था और अपने एक आर्टिकल में शशि थरूर की तुलना शाहरुख खान से की थी। 2014 में असित जौली और भावना विजरोड़ा ने इंडिया टुडे में सुनंदा पर एक रिपोर्ट लिखी। रिपोर्ट के अनुसार सुनंदा को थरूर और तरार की बढ़ती नज़दीकियों का पता था और उन्होंने अपने एक दोस्त से इसका जिक्र किया भी था। हालांकि सुनंदा के कहने पर थरूर ने मेहर तरार से बातचीत बंद भी की थी। फिर 15 जनवरी 2014 को एक फ्लाइट के दौरान सुनंदा को पता चला कि थरूर अभी भी मेहर तरार से कांटेक्ट में है। उन्होंने अपने एक दोस्त को बताया कि थरूर ने तरार का नंबर हरीश के नाम से सेव किया। हालांकि कोई राजनेता अपनी निजी जिंदगी में क्या करता है, ये पूरी तरह उसका एक निजी मामला होना चाहिए, लेकिन चूंकि इस केस में डिटेल्स महत्वपूर्ण है इसलिए हम बता रहे हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार शशि ने तरार से अपने रिश्ते तोड़ लिए थे, लेकिन तरार फिर भी उनको मैसेज किए जा रही थी। इस चक्कर में दोनों पति पत्नी के बीच काफी बहस हुई। 16 जनवरी को सुनंदा पुष्कर और मेहर तरार के बीच ट्विटर पर जमकर तूतू-मैमे हुई। सुनंदा ने मेहर पर उनके पति को स्टॉक करने के आरोप लगाए और मेहर को ISI का एजेंट कह दिया। मेहर ने कहा कि सुनंदा अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। उसी रोज सुनंदा और शशि थरूर ने एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया, जिसे थरूर के फेसबुक पेज पर शेयर किया गया। स्टेटमेंट में लिखा था कि दोनों पति पत्नी के बीच सब कुछ ठीक है। नोट में यह भी लिखा था कि सुनंदा की तबीयत खराब है और वो आराम कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार सुनंदा को लूपस एरिथेमाटोस नाम की बीमारी थी। इसके अगले रोज शाम को जब शशि थरूर होटल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सुनंदा सो रही है। उन्होंने सुनंदा को उठाने की कोशिश की, लेकिन सुनंदा नहीं उठी, उन्होंने देह त्याग दी थी। थरूर ने दिल्ली पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई, सुनंदा के शव का पोस्टमार्टम हुआ। सुनंदा पुष्कर का पोस्टमार्टम एम्स में हुआ था। वहां के डॉक्टर्स ने बताया कि सुनंदा के शरीर पर 12 से ज्यादा निशान थे। इनमें से एक उनके गाल पर था, जो ये बताता था कि उनके चेहरे को तेज चोट पहुंची और इसी के साथ ही इंसानी दांतों से काटे जाने का एक निशान उनके बाएं हाथ पर था। उनके शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे यह कहा जा सकता कि सुनंदा की मौत दवाइयों के ओवरडोज से हुई थी। उनके शरीर में एल्प्राजुलम एक एंटी एंजाइटी ड्रग होता है, ये इसकी नाम मात्र में कोई मौजूदगी मिली, मात्र छोटी सी। डॉक्टर्स ने यह भी कहा कि उनकी मौत गैर प्राकृतिक और अचानक हुई। सुनंदा की पोस्टमार्टम को जिन डॉक्टर्स के पैनल ने किया था, उसके लीडर का नाम था डॉक्टर सुधीर गुप्ता। सुधीर ने लिखित रूप में ये बताया कि उन पर मामले को सुलटाने और झूठी रिपोर्ट तैयार करने का दबाव बनाया जा रहा है। इसके बाद सुधीर गुप्ता ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि सुनंदा के देह पर 15 निशान थे, जिनमें से एक भी उनकी मौत का जिम्मेदार नहीं हो सकता।
10 अक्टूबर 2014 को इस केस की जांच कर रही टीम ने निष्कर्ष दिया कि सुनंदा की मौत पॉइजनिंग से हुई। हालांकि ये साफ नहीं था कि ये जहर था कौन सा, किसने दिया था या उन्होंने खुद लिया था। अब तक ये मामला राजनीतिक रंग भी ले चुका था। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बयान दिया कि इस केस में SIT के गठन के लिए वो एक जनहित याचिका डाल सकते हैं। स्वामी ने 2017 में PIL दायर भी की, हालांकि कोर्ट ने उसे ठुकराया। इस बीच साल 2015 में इस मामले में बड़ा मोड़ आया जब दिल्ली के तत्कालीन पुलिस आयुक्त BS बस्सी ने कहा कि सुनंदा पुष्कर की हत्या हुई थी। दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। अभी तक इस सवाल का लेकिन जवाब नहीं मिला था कि सुनंदा की मौत किस जहर से हुई। कुछ रिपोर्ट्स में अंदेशा लगाया गया कि सुनंदा की मौत पोलोनियम नाम के जहर से हुई है। इस बात को पुख्ता करने के लिए विसरा के नमूने वॉशिंगटन भेजे गए। FBI की लैब में विसरा की जांच हुई, लेकिन इस रिपोर्ट में भी कुछ पुख्ता सामने नहीं आ पाया। 4 साल चली जांच के बाद मई 2018 में पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दायर कर दी। 3000 पन्ने की चार्जशीट में शशि थरूर पर अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने और क्रूरता बरतने का आरोप लगाया गया था। थरूर ऐसे किसी भी आरोप से इनकार करते रहे। 3 साल चले केस के बाद 18 अगस्त 2021 को थरूर को बाइज्जत बरी भी किया गया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पुलिस इस बात को साबित नहीं कर पाई कि यह आत्महत्या का मामला है। इस मौके पर शशि थरूर ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि ये मेरे लिए एक दुस्वप्न के खत्म होने जैसा है। मैंने दर्जनों निराधार आरोपों और मीडिया की बदनामी का धैर्य पूर्वक सामना किया। भारतीय न्यायपालिका में अपने विश्वास के चलते मैं ऐसा कर पाया, जो आज सही साबित हुआ है। हमारी न्याय प्रणाली में अक्सर प्रक्रिया ही सजा बन जाती है। आप जानते हैं साल 2023 में केस कहां पे है। इस केस में आखिरी खबर दिसंबर 2022 में आई थी। दिल्ली पुलिस ने स्पेशल कोर्ट के निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन दाखिल की है। मामला अभी भी कोर्ट में है। सुनंदा के ऊपर लिखी किताब द एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ एंड डेथ ऑफ सुनंदा पुष्कर की लेखिका सुनंदा मेहता लिखती हैं कि ना ही सुनंदा के बेटे ने, न ही उनके परिवार ने कभी इस केस में थरूर के ऊपर कोई उंगली उठाई या शक ही किया। चूंकि कानून में गुंजाइश है कि हर केस सॉल्व होना जरूरी नहीं, लेकिन जैसा कि शुरुआत में हमने बताया, इंटरनेट की अदालत को ये मंजूर नहीं, इसलिए सुरंदा और उनके जैसे तमाम केसेस में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अमर रहेंगी। इसी के साथ तारीख का ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है, जिसे लिखा था कमल ने और कैमरे पे इसे रिकॉर्ड किया था जतिन ने। देखते रहिए तिलक ऑन टॉप।